आज हम लोग क्लास 10 पार्ट 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.1 देखेंगे। तो जिसका पहला प्रश्न है, देखिए लिखा है इसमें, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, दो घन दिया हुआ है, तो पहले हम दो घन बना लेते हैं और इनको बोलता है कि आप किनारे किनारे से इसको सटा दीजिए। तो देखिए ये रहा एक घन, ये बना दिया, ठीक ना, तो एक घन बना दिया। फिर बोलता है एक घन और जो लगाना है इसी को यहीं पर सटाना है, ठीक ना। तो देखिए इसको भी देखिए किस प्रकार बना लेते हैं, ये रहा, ये रहा, देखिए इसको सटा दिए हमने, ठीक ना। तो देखिए दो घन हमने सटाया, तो इससे क्या होगा, देखिए जो चौड़ाई है वो तो वही रहेगी, जो ऊंचाई है वो भी वही रहेगी, बस इसकी लंबाई डबल हो जाएगी, है ना, एक भुजा मतलब पूरी ये लंबा हो गया, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले एक घन का आयतन दिया हुआ है तो घन का आयतन लिख लेते हैं पहले। देखिए घन का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो जैसा कि मालूम है घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, ठीक ना, साइड क्यूब। तो लिख लेते हैं भुजा का क्यूब, जिससे हमको भुजा ज्ञात हो जाएगी। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए घन है इस पर जाएगा तो घनमूल बनेगा 64, तो 64 ये 4 का होता है ना, 4 चौक 16, 16 चौके 64। तो हमको देखिए प्रत्येक घन की भुजा आ गई हमको 4 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो गया, ठीक ना। तो इसमें देखिए अब दो घनों को जब जोड़ेंगे तो जो नया घनाभ बनेगा उसकी विमाएं क्या क्या होंगी, तो यहां लिख लेते हैं, दोनों घनों को के फलकों को मिलाने पर प्राप्त, देखिए घनाभ, ठीक ना, घनाभ हो गया, क्योंकि देखिए घन क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी अलग अलग हो उसे घनाभ बोल देंगे, और घन किसे बोलेंगे, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो। तो पहले देखिए शुरू में घन था, जब हमने दोनों घन को मिला दिया तो देखिए इसकी लंबाई अलग हो गई, है ना, देखिए यहां से यहां तक, देखिए यल जो है 4 और 4 ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक ना, ये बी तो आपका 4 सेंटीमीटर ही है और यच भी 4 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो चूंकि इसकी लंबाई अलग हो गई इसलिए ये एक घनाभ बन गया। तो अब घनाभ का लिखेंगे, तो प्राप्त घनाभ की विमाएं, ठीक ना, तो विमाएं क्या होता है, देखिए लंबाई कितनी हो गई, यल बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 4 सेंटीमीटर और यच बराबर भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो अब हमको क्या करना, क्या प्राप्त करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB BH और HL। तो मान रख देते हैं यल देखिए कितना है, 8, ये 4, ठीक ना, ये होगा 4 × 4 और 4 × 8, ठीक ना, लंबाई ही केवल 8 हुआ है। तो इसको जोड़ के हल करें, 8 चौक 32 प्लस 16 प्लस 32, इनको जोड़ लेते हैं तो देखिए क्या आएगा, 6 4 10 हासिल 1 3 4 5 6 7 1 8। तो इस प्रकार हो गया 160 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। देखिए याद रखिएगा
किसी भी प्रकार का क्षेत्रफल हो, जैसे अगर लिखा हो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अगर क्षेत्रफल हो तो स्क्वायर में रहेगा, ठीक ना। मीटर में है तो मीटर वर्ग या मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए प्रश्न नंबर दो है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो जो दिया है उसके आधार पर हम आकृति बनाते हैं। सबसे पहले अर्धगोलाकार का है, देखिए अर्धगोलाकार बना दिया, ठीक ना। फिर बोलता है इस पर, देखिए लिखा है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, तो हम एक खोखला बेलन इस पर रख देते हैं, ये रहा, ये रहा, ठीक ना। तो इस प्रकार ये हो गया, ये आकृति बन गई हमारी। ठीक ना, तो अर्धगोले का व्यास दिया है, तो देखिए हम इसकी त्रिज्या लिख लेते हैं। त्रिज्या कितना हो जाएगा, देखिए व्यास का आधा होता है, तो व्यास है 14, तो 14/2 बराबर ये 7 सेंटीमीटर आ गया। और ऊंचाई, इस बर्तन की कुल ऊंचाई, तो ये कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हो गई, कुल ऊंचाई कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। तो जब कुल ऊंचाई है तो इसमें अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई अगर हम हटा दें तो बेलनाकार पात्र की ऊंचाई हमको ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए ये बेलनाकार पात्र की केवल ऊंचाई है, तो कितनी हो जाएगी 13 में 7 हटा देते हैं, तो 7 हटा देंगे तो कितना आएगा 7, 6 हो जाएगा, ठीक ना, 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बेलनाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर आ गई। अब हमको क्या ज्ञात करना है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, लिखेंगे बर्तन का, देखिए इसमें क्या दिया है, ये हमने फोटो बनाकर इसको लगा दिया, बता दिया, तो इसलिए इसके अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि बेलनाकार पात्र की ऊंचाई कितनी है, कुल ऊंचाई कितना दिया है। ये फोटो जो आकृति बनाया है उससे ही हमको समझ में आ जा रहा है, ठीक ना। इसको हम ज़्यादा इतना कर सकते हैं कि देखिए इसको लिख सकते हैं h बराबर, देखिए इतना कर सकते हैं 13-7 बराबर ये 6 सेंटीमीटर, ठीक ना, कि मतलब कुल में से हमने ये वाला भाग हटाया है सो हमको ये ज्ञात हो गया है, ठीक ना। अब लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये हो जाएगा बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, लिखेंगे अर्धगोले, अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। तो अर्धगोलाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए 2πr² प्लस बेलनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh होता है, ठीक ना। अब देखिए एक तरीका और हो सकता है कि आप चाहें तो इस अर्धगोलाकार का अलग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और बेलनाकार भाग का अलग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। मगर देखिए इस तरह करने से क्या होता है, इससे थोड़ा कैलकुलेशन ईजी पड़ जाता है। तो देखिए क्या किया हमने, फॉर्मूला लिख लिया इसका। अब देखिए हमको यहाँ पे जो कॉमन मिल जा रहा है, कॉमन वाला पोर्शन हम उसको लिख ले, कॉमन निकाल ले रहे हैं ना, उभयनिष्ठ कर ले रहे हैं। देखिए 2πr यहाँ तक है, यहाँ केवल r बचा और ये 2πr निकल गया, ये h बचा, ठीक ना। तो हमको इससे पाई का मान दो बार रखने से हम बच गए, ठीक ना, यहाँ एक बार मान रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए दो, अब पाई का मान अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो इसका मतलब कि पाई का मान हमें 22/7 रखना होता है, ठीक ना। और त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या 7 हो गया, फिर यहाँ भी 7 रख देंगे, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 6, ठीक ना। अब इसको हल कर लेते हैं, 7 कट गया, 22 × 44 प्लस 6 × 12 = 13,
ठीक ना, तो गुणा कर देंगे 13 चौके 52, हासिल 5, 13 चौके 52, 5 57। और देखिए सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 हमने देखिए हल कर लिया। अब प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए जैसे जैसे दिया है वैसे हम आकृति बना लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 सबसे पहले लिखा है, एक खिलौना त्रिज्या दे रखा है वाले एक शंकु के आकार का है। तो देखिए शंकु के आकार का है और ये अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो देखिए ये रहा शंकु, है ना, ये और ये अर्धगोलाकार ये रहा, ठीक ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया वैसे से आप फोटो बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ये हो गया, ठीक ना। तो इसकी त्रिज्या दे रखी है तो त्रिज्या हम यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं, R बराबर लिखा है 3.5 सेंटीमीटर और एक अर्धगोले इस खिलौने देखिए पूरी ऊंचाई दे रखी है, ठीक ना। इस बार भी पूरी ऊंचाई दे रखी है, कुल ऊंचाई दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, कितना दिया है 15.5 सेंटीमीटर। और तो बोलता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, पहले शंकुआकार भाग का ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये एच हो जाएगा कितना, ये भी करेंगे 15.5 माइनस 3.5, तो 15 में 3 गया, ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक ना। तो ये आ गया, देखिए इसमें इसको माइनस किया, पूरे में से ये वाला पोर्शन हटा दिया, तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर ज्ञात हो गया। अब हम अगर हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमको शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए। तो पहले हम देखिए लिख लेते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या है, खिलौने का, है ना, जो क्वेश्चन पूछे उस पर लिखें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें क्या होगा, अर्धगोलेकार भाग का, अर्धगोलेकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकुआकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। तो देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, अर्धगोलेकार क्या होता है, 2πr² जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में भी आया था। शंकुआकार भाग का क्या होता है, πr l। देखिए यल क्या होता है, ये तिरछी ऊंचाई होता है, देखिए ये जो एच होता है वो लंबवत ऊंचाई है, ठीक ना, ये है लंबवत ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, ये एच है, ठीक। और हमको क्या करना है, ये एल ज्ञात करना है पहले, ठीक ना। फॉर्मूला देखा तो इससे ये समझ आया कि हमको यल भी ज्ञात करना है। तो यल क्या होता है, देखिए यल लिख लेते हैं हम यहाँ पर, देखिए यल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक ना, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिखिए। तो अब इसमें देख लेते हैं जो है उसका मान रख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, आर स्क्वायर पहले लिख लेते हैं प्लस एच स्क्वायर। तो एच आर कितना है, आर है 3.5 का स्क्वायर, ठीक ना, प्लस ये 12 का स्क्वायर हो गया, ठीक ना। इसको चाहें तो आप दशमलव से भिन्न में बदल कर भी हल कर सकते हैं, ये हो गया। देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 3 12 25 हो जाएगा, ठीक ना, दशमलव एक दो स्थान के बाद लगेगा, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक ना। तो आपको 120 तक का वर्ग अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0.25 और 4 2 6 और 4 1 5 और 1 156 25, ठीक ना। तो देखिए 156 25 का जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 156 25, देख लेते हैं इसका कितना वर्गमूल आता है, वैसे ये देख लेते हैं कंफर्म हो जाएगा, 25 जोड़ा बनाएंगे, 1 1 कम 1, ये भाग विधि से हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं,
ये 56, एक एक दो, और ये दो दो 44, चार दो छः, और ये दशमलव लगेगा तो 2 5 यहाँ हो जाएगा, और ये दो दो ये 24 हो गया, ठीक ना। ये पांच बार में देख लेते हैं इसको, 5 5 25, 5 4 20, 2 22, 5 3 10 11 12, तो ये आ गया आपका पांच बार, है ना, 12.5 आया। तो ये वर्गमूल आया, तो इसका मतलब ये 12.5 आया। कितना है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में, ठीक ना। तो अब सभी कुछ ज्ञात हो गया, अब हमको बस मान रखना है। अब देखें यहाँ पर हमको पाई और आर कॉमन है, तो हम चाहे तो पाई आर निकाल लें, तो हमको दो बार नहीं रखना पड़ेगा। यहाँ भी मान रखिए, यहाँ भी रखिए, पाई का आर आर दोनों रखिए, या तो कॉमन निकाल लीजिए तो ईजी पड़ेगा। तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा, आर बचा, यहाँ एल बचा, ठीक ना। अब मान रख देते हैं, तो ये हो गया 22/7, त्रिज्या कितनी है 3.5, और यहाँ जाएगा 2 × 3.5 प्लस एल आया है 12.5। इसको हल कर लेते हैं। देखिए पहले सूत्र रखते हैं, फिर इस पर मान रखते हैं, फिर इसको हल करते हैं। तो देखिए इसको हल कर लेते हैं, 7/3.5, इनको जोड़ दीजिए तो 7.0 प्लस 12.5 हो जाता है, ठीक ना। तो इसको अब हल कर लेते हैं, 22/7 गुड़े 3.5, और इसको जोड़ देंगे तो 7 8 9 19.5 आ गया, ठीक ना। इसको जोड़ेंगे तो 7 1 7 5 35, ठीक ना, 22 5 110। देखिए आप इसको याद रखिएगा, ज़्यादातर इस तरह कैलकुलेशन में काम आएगा आपको। 12 का गुणा 5 में करें, 22 का गुणा 5 में करेंगे तो 110 आता है, ठीक है। ये बार बार हर क्वेश्चन में लगभग आएगा ही। तो 22 5 110, 1 दशमलव लगा तो 11 हो गया, गुणे 19.5। अब देखिए 11 का गुणा करना है इसमें, तो यहाँ आएगा 5 9 5 14, हासिल 1, और 9 10 11, हासिल 1 1 1 2, एक स्थान के बाद दशमलव लगा दिए, तो देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो ये रहा प्रश्न नंबर 3, हमने हल कर लिया। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर। तो पहले देखिए एक घनाकार ब्लॉक बना लिया जाए, ये रहा एक घनाकार ब्लॉक है, घनाकार का मतलब जिसकी सभी विमाएं बराबर हो, है ना, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती हैं। ये हो गया, ठीक है, ये पीछे का पृष्ठ है, और इस पर देखिए लिखा है, क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर वाला है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग ये 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं। एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है, तो देखिए ये अर्धगोलाकार ऐसे रखा हुआ है, ऐसे इस पर रखा हुआ है, ठीक ना। ये हुआ अर्धगोलाकार का रखा हुआ है, ऐसे इस खिलौने की संपूर्ण गोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, बोला अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम इसको ऊपर से देखें, ठीक ना, ऊपर से तरफ से देखें तो क्या दिखाई देगा, हम इसको पहले यहाँ बना लेते हैं। देखिए ये है उसका टॉप व्यू ऊपर की तरफ वाला, और जब आप इस पर एक अर्धगोलाकार रखेंगे, है ना, अर्धगोलाकार का, तो देखिए ये इतना ढक लेगा, ये ऐसे ढक लेगा, ठीक ना। अर्धगोलाकार का मतलब अगर आप एक गोला सा कोई भी, जैसे ये रहा गोला, ठीक ना, मान लीजिए तरबूजा है, ठीक ना, जब आप इसको बीच से काट देंगे तो देखिए ये जो बना ये वाला पोर्शन अर्धगोलाकार का होता है, ठीक ना। जैसे अगर इसको ऊपर करके देखें तो देखिए ये इस प्रकार का दिखाई देगा, ऐसे और ये ऐसे, ठीक ना। तो देखिए ऊपर जो होता है वो वृत्त के आकार का ही है ना, अर्धगोलाकार को जब काटेंगे बराबर तो ऊपर जो होता है वो वृत्त के आकार का होता है, ठीक ना। तो जब अर्धगोलाकार इसके ऊपर रखेंगे
तो ज़्यादा ज़्यादा इतना बड़ा हम गोला यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक ना। ऐसा अर्ध गोलाकार रख सकते हैं जिसका अधिकतम व्यास इनकी इसकी भुजाओं के बराबर हो सकता है, ठीक ना। इससे हम छोटा भी रख सकते हैं, इतना बड़ा भी अर्धगोलाकार रख सकते हैं, इतना बड़ा रख सकते हैं, मगर क्वेश्चन में बोला है जो आप अर्धगोलाकार रखेंगे उसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। तो उसका अधिकतम व्यास इस घनाकार घन के भुजा के बराबर हो सकता है, देखिए इतना, ठीक ना। इससे बड़ा तो आप रख नहीं सकते इसके ऊपर, तो ये अधिकतम व्यास हो गया। देखिए ये अधिकतम व्यास कितना हो गया, व्यास हो गया। तो अधिकतम व्यास, ठोस का अधिकतम व्यास इस घन की भुजा के बराबर हो सकता है, ठीक ना। और जब इसको ऊपर रखेंगे तो देखिए इस प्रकार का देखिएगा, मतलब इस घन का जो ऊपरी सतह है उसका ये इतना इलाका तो घेर लेगा, ये है ना, इतना इलाका ये घेर लेगा, ठीक। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा उसको लिख लेते हैं। तो लिखा है अर्ध गोले का अधिकतम व्यास, तो लिखेंगे अर्ध गोले का अधिकतम व्यास ये होगा घनाकार ब्लॉक की त्रिज्या, ठीक ना। तो त्रिज्या क्या है, भुजा है, ठीक ना, कि भुजा के बराबर होगा, कि भुजा, तो भुजा कितनी है, तो हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो अब अर्धगोले का अधिकतम व्यास इतना हो सकता है, मतलब व्यास हमको प्राप्त हो गया। तो लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, तो त्रिज्या आर बराबर व्यास का आधा, मतलब 3.5 सेंटीमीटर, ठीक ना, ये हो गया। अब बोल रहे हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो देखिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पृष्ठीय का मतलब जिसका ऊपर ऊपर जितना भी है, ठीक ना, बाहर बाहर जितना भी है सब पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो यदि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे पहले इस घन का 6 फलक हो गए, 6 जो किनारे हैं, ठीक ना। तो 6 किनारे के लिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, देखिए इसमें क्या है, जब ये 6 फलक का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया, मगर जब आप अर्धगोले को रखेंगे ना तो एक सतह का इतना इलाका तो कवर हो गया इसकी रखने के कारण, ठीक ना। तो ये इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल गिनती में नहीं आएगा, क्योंकि इसको इसने इतना तो ऊपर वाले एक सतह पर इतना तो ढक लिया वृत्त के आकार का, तो इतना तो हमको माइनस करना होगा क्योंकि हमने इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में उसको भी शामिल कर लिया है। तो लिखेंगे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, ठीक ना। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे भुजा का वर्ग, ठीक ना, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² और आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होता है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल है तो πr² लिख दिया हमने, तो ये हो जाएगा 6 गुणे भुजा कितनी है, भुजा है आपकी 7 सेंटीमीटर, प्लस देखिए इसको घटाएंगे तो 1πr² बचेगा, ठीक ना। तो ये भुजा रख 7 लिख लिया, ठीक है, 6 गुणे 49 प्लस 22 बटे 7 गुणे त्रिज्या कितनी है 7, तो ये हो गया 7 गुणे 7, तो ये कट गया, जो बचा उसका गुणा कर लेते हैं फिर जोड़ देंगे हम, तो ये हो गया 6 9 54 हासिल 5, 6 चौक 24 5 29 प्लस
सात दूनी चौदह, सात दूनी चौदह एक पंद्रह, जोड़ लेते हैं इनको। 294 प्लस 154, चार चार आठ, नौ पाँच चौदह, हासिल एक, दो तीन एक चार, ये हो गया 448, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर चार हल हो गया। अब प्रश्न नंबर पाँच देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर पाँच में है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने एक घनाकार बनाया, इसको एक अर्धगोलाकार का अंदर से काट लिया, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो, जो बचा हुआ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये जो अंदर से खुद के निकल गया जो गड्ढा हो गया, तो इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल गिनेंगे, तो ये है अर्धगोलाकार का, तो लिखेंगे अर्धगोलाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और चूंकि इस ब्लॉक का ऊपर वाला जो सरफेस है उसका इतना एक वृत्त के आकार का ये कट के कट गया यहाँ से, तो इसमें हम इतना माइनस कर देंगे, ठीक ना। तो क्या था प्रश्न नंबर चार में, ये अर्धगोलाकार ऊपर अध्यारोपित था, ये नीचे से काट लिया, तो इन दोनों का आंसर सेम ही तरीके से किया जाएगा। तो देखिए इसमें कोई विमा कोई नाप नहीं दिया है, हम इसको एल ले लेते हैं, ठीक ना, इसको पूरा एल ले लेते हैं, ठीक ना, ये एल यहाँ से यहाँ तक एल हो गया, ठीक ना। तो देखिए अर्धगोलाकार का क्या हो जाएगा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा एल बटे दो, ठीक ना। तो ये हो गया, अब लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस घनाकार हो गया, फिर लिखेंगे अर्धगोलाकार का, अर्धगोलाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस लिखेंगे अर्धगोलाकार के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल है ना, पाई आर स्क्वायर जो होगा आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए का पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाकार का क्या हो जाता है, छ गुणे भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का क्या होता है, टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, है ना, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त के आकार का है ये वाला, इसलिए ये देखिए लिखा भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है भाई, भुजा है आपका एल, तो लिख दिया एल स्क्वायर प्लस देखिए ये है टू पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर गया तो ये पाई आर स्क्वायर बचेगा, सिक्स एल स्क्वायर प्लस पाई का मान ये हो गया 22/7 और एल कितना है, ये है आपका एल बटे दो, तो एल बटे दो का स्क्वायर कर लिया, ठीक ना। तो अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, चाहे तो इसको पाई भी रहने देते हैं, बाद में हल कर लेंगे, ये रहा तो 6L² प्लस पाई एल स्क्वायर बटे चार, तो जब इसका लघुत्तम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 24L² प्लस पाई एल स्क्वायर बटे चार, तो इसमें से L निकल लेता है, L बटे चार बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा एल स्क्वायर ही निकल जाएगा पूरा, तो ये बचेगा 24 प्लस ये पाई, और सेंटीमीटर में है जो भी दिया है देख लेते हैं, इकाई किस में दिया है, नहीं दिया हुआ है तो लिखेंगे इकाई, वर्ग इकाई, ठीक ना, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक लिख सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए ये आंसर ही दिया हुआ है। तो देखिए प्रश्न नंबर पाँच हमने हल कर लिया, अब प्रश्न नंबर छः हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर छः में है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, देखिए बगल में आकृति भी दे रखी है, इसको भी हम साथ ही बनाते हुए चलते हैं,
देखिए बेलन का आकार का है और इसके बोलता है कि दोनों सिरे पर अर्ध गोलाकार का आकार आकृति है ये, ठीक ना। तो ये कैप्सूल इस प्रकार होता भी है। ये बनाया, ठीक ना, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्ध गोलाकार लगा हुआ है, आकृति भी है। पूरे कैप्सूल की लंबाई देखिए दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा दे रखा है। यल कितना दिया है, ये दिया है आपका 14 mm, मिलीमीटर, ठीक ना। और उसका व्यास दे रखा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा ये व्यास दिया है। और ये व्यास कितना दिया है, 5 mm। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो पहले इसका देखिए, अगर ये पूरा दे रखा है तो यहाँ से यहाँ तक अर्धगोलाकार भाग है, ठीक ना। तो अर्धगोलाकार देखिए, एक अर्धगोलाकार, एक अर्धगोलाकार, ये बेलनाकार भाग हो गया, ठीक ना। तो इसका अगर पूरा ये 5 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर 5/2, ठीक ना। और इस प्रकार इधर भी ये 5/2 हो जाएगा। तो 5/2, 5/2, मतलब कि इस बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, h बराबर 5, 5 हटा देंगे, 14, 5 गया तो 9 mm हो जाएगा, ठीक ना, मिलीमीटर होता है। तो h है ना बेलनाकार भाग का। तो अब लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 × है ना, दोनों तरफ है ना अर्धगोलाकार है, अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बेलनाकार भाग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πRh प्लस 2 × 2πr². देखिए इसमें कॉमन है क्या, वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया 2πr कॉमन निकल गया, यहाँ बचा h केवल, और यहाँ बचा 2πr, तो 2r बच गया। अब मान रख देते हैं इस पर, ये हो जाएगा 22/7, r कितना है 5/2, और h कितना है, ये हो गया 9 प्लस 2 × 5/2 हो गया। बस इसको हल कर लेते हैं, 22 × 5 = 110/7 × ये 2 कट गया, 9 × 5 = 14, 7 × 14 = 11, 22, तो ये हो गया mm². तो देखिए इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 6 हल कर लिया। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 में है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो देखिए बेलन के आकार का पहले हम बना लेते हैं, इसका आधार है ये, ठीक ना, ये बेलन के आकार का है और इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है ऐसे, ठीक ना। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई दिया है, इसको लिख लेते हैं, टू पॉइंट वन मीटर, और व्यास दे रखा है, तो व्यास दिया है तो हम इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। व्यास क्या दिया है, 4, तो 4 का आधा ये हो गया 2 मीटर, ठीक ना। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, चलिए यल दे रखा है, ये एल होता है 2.8 मीटर। तो इसे तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो लिख लेते हैं कैनवास का क्षेत्रफल। देखिए अब यहाँ पर यच, देखिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें फॉर्मूला होता है शंकुआकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, तो इसमें यच की जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर यच टू दूसरी ऊंचाई शंकु की नहीं निकालेंगे, इसलिए 1 और 2 लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो लिखेंगे कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल
बराबर लिखेंगे बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh प्लस ये होता है πRL। इसमें देखिए पाई आर बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन मिल गया, उभयनिष्ठ है ये, और ये बचा 2h प्लस एल। अब मान रख देते हैं इसमें, ये हो गया 22/7, त्रिज्या कितनी है 2, और ऊंचाई कितनी है 2.1, और एल कितना है 2.8। हल कर लेते हैं इसको, ये हो गया 44/7 गुणे ये हो गया 21×42 प्लस 2.8। हल कर लेते हैं, ये हो गया 44/7 गुणे तो 8 × 2 = 10 हासिल है 4, 5, 6, 1, 7, तो ये आपका आ गया 44 m². तो देखिए क्षेत्रफल आ गया इसका, ठीक ना। अब इसका लागत भी चाहिए शायद, इसमें दिया है, इसमें बोला है कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर में इसके कैनवास की लागत। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि 1 m² कैनवास कैनवास की लागत कितना है 500 रुपये, ठीक ना। तो बोलता है कैनवास की कुल लागत ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो 1 m² का दे रखा है, तो हमको कितना है 44 m², तो 44 m² कैनवास की लागत कितनी हो जाएगी 500 × 44, 2 0 रहेगा ही, 5 × 4 = 20 हासिल 2, 5 × 4 = 22, तो हो गया इतना रुपया, है ना, 22,000 रुपये लागत आ जाएगी। तो इस प्रकार देखिए प्रश्न नंबर 7 भी हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। देखिए ऊंचाई दिया है 2.4 cm और व्यास 1.4 cm वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या दिया है, एक दिया है बेलन नाकार भाग है, एक ठोस बेलन है, ये रहा ठोस बेलन। ठोस बेलन का मतलब कि मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा समझ लीजिए, ठीक ना, अंदर से खाली नहीं होना चाहिए, ठीक ना। और जैसे अगर खाली एक तो पाइप अगर ले लें तो पाइप बेलन के आकार का ही होता है, मगर ये खोखला रहता है, ठीक ना। ये रहा, अब बोलता है कि अंदर आप इतना ही बड़ा एक शंकु का आकार का इतना बड़ा काट के बाहर निकाल लिया, ठीक ना, इसको इतना काट कर बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, देखिए इतना ही बचा हमारे पास, ठीक ना। तो बोलता है जो बच गया, देखिए बचा क्या, हम देखिए आपको फोटो बना देते हैं, अगर काट के निकाल लेगा तो ये बचेगा आपके पास, देखिए ये इतना बचेगा केवल, ठीक ना, ये बस इतना बचेगा, काट के इतना बेलन के आकार का ये शंकु का आकार काट के निकाल लिया, तो ये बचा। बोलता है जो बच गया उसका आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें अगर आपको दिख रहा है तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो है, ये पूरा गोले में तो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, और इसमें देखिए आधार का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएगा, ठीक ना, एक जो आधार का जो निचला वाला सिरा है उसको अलग नहीं किया गया है, तो ये वृत्त के आकार का होता है आधार पर, तो पाई आर स्क्वायर वो जुड़ेगा, और जो शंकु के आकार का जो इतना क्षेत्रफल बचा पृष्ठीय क्षेत्रफल और हमको ये मिला, इसको भी हम लोग जोड़ेंगे, ठीक ना। तो इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं, ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई लिख लेते हैं, ये दिया है h बराबर 2.4 cm और व्यास दिया है, तो हम इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो 1.4/2 = 0.7
सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इसको अब हल कर लेते हैं। लिखते हैं शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलनाकार का क्या हो जाएगा, 2πRh प्लस शंक्वाकार भाग का क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। इसमें देखिए पाई आर कॉमन है, ले सकते हैं बाहर, पाई आर बाहर निकाल लिया तो होगा 2h प्लस एल प्लस आर। तो अब देखिए हमको इसमें l चाहिए, तो l हमको इसको ज्ञात करना होगा। तो देखिए ये रहा r और ये रहा h, तो हमको l ज्ञात कर लेते हैं पहले यहाँ पर, इसको ज़रूरत नहीं है इसको हम मिटा देते हैं। तो ये हो गया L बराबर करनी में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R कितना है 0.7 का वर्ग प्लस H कितना है 24 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 7 का 49 ये हो जाएगा 0.49 प्लस ये 24 का हो जाएगा 576 दशम, यहाँ दशमलव लग जाएगा, ठीक ना। अब इनको जोड़ लेते हैं तो जगह 9, 6, 15 हासिल 1, 7, 4, 11, 1, 12 ये हो गया 600 है ना, 6.25। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 2.5 और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख लेते हैं। अब मान रख देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 22/7, त्रिज्या कितनी है 0.7, 2×H कितना है 2.4 प्लस L आया है 2.5 और त्रिज्या कितनी है 0.7। देखिए ये तो कट गया, अब गुणा कर लेंगे तो 2.2 बच जाएगा, ये हो गया 24×48 प्लस 2.5 प्लस 0.7। इनको जोड़ लेते हैं 4.8, 2.5, 0.7। तो जोड़ लेंगे 8, 7, 15, 15, 5, 20, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 आ गया है, ठीक ना। तो इसको लिख लेते हैं 2.2×8, तो गुणा करेंगे तो 8×16, 8×16, 1, 17 ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 में क्या था कि बोलता है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए निकटतम में क्या होगा, 17.6 है तो इसको हम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 8 हो गया। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 में है लकड़ी के एक ठोस बेलन के, तो हम पहले एक ठोस बेलन बना लेते हैं जैसे इसके प्रश्न नंबर 8 में बनाया था, ये रहा ठोस बेलन, बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्ध गोलाकार खोदकर निकाला गया। देखिए यहाँ से भी ऐसे अर्ध गोलाकार काट के निकाल दिया गया है, देखिए ये आकृति बनी हुई है और यहाँ भी निकाल लिया गया, ठीक ना, निकाल लिया गया जैसा कि आकृति में दिया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई, ये बेलन हो गया, ऊंचाई कितनी थी, ये हो गया 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर,
तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, आप बेलनकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दो गुणे दो अर्धगोलेकार हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखा है क्वेश्चन में, वस्तु का, लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो गुणे अर्धगोलेकार गोलेकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलनकार का क्या होता है, 2πRh प्लस दो गुणे ये होता है 2πR2। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए आपको सूत्र बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। इसमें देखिए 2πR कॉमन निकाल लिया, h बचा यहाँ 2 और ये r बचा, ठीक ना, 2πR निकल गया। तो अब इस पर हम मान रख देते हैं, ये हो गया 22/7 गुणे आर कितना है 3.5 और ऊंचाई 10 प्लस 2 गुणे 3.5। तो इसको देखिए काट लेते हैं, 7 × 5 = 35, 22 × 5 = 110 और दशमलव लग जाएगा तो 11 हो जाएगा। ये हो गया 10 + 35 = 70, तो ये 7 हो जाएगा, 70 मतलब 7.0 हो जाएगा, दशमलव लगेगा तो यहाँ पर 37 ही हो गया। ये हो गया 11 × 22 गुणे ये हो गया 10 × 7 = 17, ये हो गया 17 × 34 हासिल 3, 17 × 34 35 × 36 = 37, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 हमने हल कर लिया, इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हो गई। अगले वीडियो में हम लोग 13.2 देखेंगे। धन्यवाद।